मानव कल्याण और पर्यावरण के उत्थान को समर्पित संस्था दी अर्थ सेवियर फाउंडेशन, जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और बनबाड़ी गांव जिला गुरुग्राम में स्थित है। संस्था की शुरुआत 2008 में रवि कालरा जी के द्वारा की गई। रवि कालरा जी ने अपना सारा ही जीवन सेवा में लगाया है। संस्था का उद्देश्य अनाथ और बेसहारा बुजुर्गों की मदद करना, और आज भी रवि कालरा जी इस संस्था को बहुत ही बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। 500 बुजुर्ग इस आश्रम में रह रहे हैं जिनकी सेवा रवि कालरा जी के द्वारा की जा रही है। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने संस्था का विशेष दौरा किया और रवि कालरा जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। People and I'll be really happy to help them, and it's a really good environment, and I can see people, you know, having food and, you know, helping each other, so it really feels nice. And as the single man, Mr. Ravi Kalra, who is serving all these people, आपके मन में भी थोड़ा सा ऐसा आता है कि हम लोग, क्योंकि हर बंदा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अगर ऐसी सेवाएं मिले तो क्या करें? I think he's a very idol and a very good man, and he's helping these old age people, and he has created this whole NGO, and he's, you know, trying to help these people, giving shelter, food and everything. So I think every human being should do this, provide something for the society. And our confidence also increases to see that there are such type of persons who are serving in this way to the society. I think he's. I have come here for counseling, and I'll be really happy to contribute something for the society. So. And you will always be a part of this society. Yeah, I'll always be a part of the society, and I'll be happy to help them, all of them. Thank you. Condition थी आपकी जब आप यहाँ पर आए, और आज की condition कैसी है? क्या कहना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में और यहाँ की सेवा के बारे में? तो पहले यहाँ के आश्रम की बात है, तो यहाँ के मतलब किसी किस्म की कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं हॉस्पिटल लेके जाना हो, या मेरे कोर्ट में केस चल रहा है या कोर्ट में लेके जाना हो, तो मुझे बाकायदा सहयोग देते हैं। बाकी ज़्यादा मेरा सवाल है, जब मैं यहाँ पे आया तो मैं ये मेरा पैर कटा हुआ था, तो इन्होंने मेरा वो पैर दगवाने के लिए 2-3 दफ़ा मुझे वहाँ लेके गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरा अभी पैर दग नहीं पाया। तो शायद अगले महीने या लॉकडाउन या जनवरी के या फरवरी में ये मेरा पैर दग जाएगा। और कैसा खाना यहाँ मिलता है? सर खाने में मतलब ठीक है, मतलब लगभग ठीक है, दाल चावल सब्जी मतलब कोई दिक्कत कोई नहीं है सर यहाँ खाने पीने की। और जैसे सर कलड़ा जी खुद आपसे मिलते हैं? बिल्कुल सर, बकायदा। हाँ जी सर, बकायदा आते हैं और पर्सनली हर किसी से पूछते हैं कि यहाँ के बारे में कुछ दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। बाकी जो यहाँ का स्टाफ है खूब कोऑपरेट करता है। सर कैसे पहुंचे आप इस सेवा के केंद्र में और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ पर जो अपनापन पाया मैंने, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अपनों लोगों से भी हाथ उठा दिए, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने मेरा जो देखभाल करा और जो अपनापन दिया सर, उसके लिए मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा सर। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं यहाँ आया था ना चल सकता था ना बैठ सकता था, बड़ी बुरी हालत थी सर। क्या काम करते थे पहले? मैं शेप था सर। किस होटल में? होटल पार्क प्लाजा में। पार्क प्लाजा में सर थे जी सर। तो आपका जब आपको ये प्रॉब्लम आई तो उसके बाद उन्होंने आपको नहीं संभाला किसी? नहीं, बहुत सपोर्ट किया सर उन्होंने। 6 महीने अपने पास रखा और बकायदा एक लड़का मेरे साथ रखा गया कि कुछ करें। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये था सर कि उनके पास टाइम होता नहीं था ले आने के लिए। जब सर के बारे में पता, इंटरनेट में पता चला, तो फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आते ही मेरा जीवन सफल हो गया सर। और यहाँ भी आप थोड़ा सा अपना
सेफ जो है आपका जो क्लिंग स्टेंट है बिल्कुल सर, तो यहाँ यूज करोगे आने वाले समय में? करते हैं सर, कोई स्पेशल डे होता है तो जरूर बोलते हैं, मैं करता हूँ सर। मतलब खाने में वही स्वाद ला देते हैं? हाँ बिल्कुल, जो पार्क प्लाजा वाला है। हाँ मैं एक्चुअली सर 25 साल से होटल इंडस्ट्री में हूँ और मेरे दो बच्चे हैं, मेरी मिसेस मेरा एक्सीडेंट में ही उनका भी डेथ हो गया था सर, तो घर वाले तो सब जो अपने रिश्तेदार नातेदार सब हाथ खड़ा कर दिए, किसी ने मेरे बातचीत करने को भी कोशिश नहीं। पर अभी कलड़ा तो एक थम बन कर खड़ा गया, भगवान है सर उन्हें। हम लोग जैसा आदमी जिस तरह से हम लोग यहाँ पर देखभाल होता है, जिस तरह हम लोग को मतलब संभाला जाता है, ये वाकई में आश्चर्य की बात है सर। बेटा मेरे दो लड़के थे, दोनों गुजर गए, और बहुए हैं, पोते हैं, पोतों के भी बच्चे हैं, कोई नहीं चाहता। और मैं अपनी लड़की के पास रहती थी, मेरे आदमी को मरे 40 साल हो गई, 20 साल से लड़की के पास रहती थी, लड़की बहू अपनी बहू के पास छोड़ गई, वो मोटी ज़्यादा थी उससे चला नहीं गया, तो अपनी बहू के पास छोड़ गई। तो बहू बेटी ने भी आपको नहीं, बहू ने मुझे छतर मंदिर में बैठा दिया कि चलो तुम्हें मंदिर दिखा ले, अब पटरी पे बैठा के चली आई मुझे। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे आपको कौन लेके आया? मेरी दरियागंज में, दो दरियागंज में जा रही थी, 20 साल हो गई, कमर तोड़ गया था, एक धक्का दे गया था, तो अरविंद में मेरा इलाज हुआ। अच्छा ही लगता है, अब कुछ भी हो, बड़े तो है, मरे मरे या जिए कुछ भी करे, यहाँ अच्छा लगता है, बिस्तर भी है, खाना भी है, पहनना भी है, ओढ़ना भी है, सब चीज़ें। बाबूजी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, हाँ जो इतनी देखभाल करते हैं, हाँ बाबूजी मेरी बहुत देखभाल करते हैं, बहुत अच्छे हैं। हमें बताएं कि आप यहाँ कैसे आश्रम में आए और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से कैसा यहाँ पर बिहेवियर है, क्या हो रहा है? मैं आ गया, मेरा सहेली लेके छोड़ा, 6 साल हो गया, अच्छा रह रही हूँ, रवि सर अभी अच्छा है, अच्छा देखभाल करती हूँ, कपड़ा खाना सब कुछ मिलती हूँ। फिर मैं अकेले, मेरा कोई नहीं है, परिवार नहीं है, सब मैं केरला को हूँ, बहुत अच्छा रह रही हूँ, 6 साल होने। केरला से हूँ आप? हाँ जी केरला से। खुश हूँ यहाँ पर? हाँ हम खुश हूँ, 6 साल हो रहे हैं अभी। क्रिश्चियन मिशन से? हाँ जी क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियन है। कैसे आई यहाँ पर? मैं, मेरी घर है ये दिल्ली साउथ एक्स पाटन अमृत नगर एबला के 7th 4th मंदिर मेरा मकान नंबर। मैं जब यहाँ आया था, मैं ट्रीटमेंट होने के लिए आया था, ये 3 मंदिर से गिर गया था सर, तो मैं बहुत ही तकलीफ में था, जो कोई रोटी खिला देता है, जो कोई पानी बॉटल खोल के मुझे पानी पिला दे, बहुत ही तकलीफ में था। तो यहाँ पर हम 5 महीना खाना नहीं खाया था सर, के घर से फ्रूट आता था, जूस आता था, सलाद आता था, वो खाती थी मैंने। उसके बाद ये लोग हमको, जब पानी नहीं रुक रहा था पेट में, डॉक्टर मैडम ने 4 बॉटल पानी
चार पांच बोतल दवाई चढ़ाया तो मेरी खाना खाने लगा और मेरे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ सर, जे अब हम इतना ठीक हूँ। बहुत अच्छा एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब है, वो हमारे 3 बजे से 6 बजे लेडीजों की एक्सरसाइज कराता है और वो अब इतना ठीक हो गया। जितना लेडीज है उनको नहलाने के बाद कपड़ा पहनाती हूँ और उसके बाद हम ये लोग को खाना भी बांटता है, जो भी मेरे से होता है सेवा वो सेवा करता है। हम कहता है हम शादी नहीं किया। आप खुश हैं यहाँ पर? बहुत खुश हूँ, बहुत। हमारी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है सर, हम लोग को लिए भगवान है। बहुत अच्छा खाना मिलता है, कपड़ा लेता मिलता है, हर 2 घंटा बाद में कुछ ना कुछ मिलता है। हमारी सर जो है वो खुद आता है यहाँ रात में देखने के लिए जिनके ऊपर चादर है कि नहीं, कैसे सो रहा है नहीं सो रहा है। और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, खड़ा सब्जी, रायता, सलाद, रोटी, चावल, फिर एक छोले चाय राजमा, इतना अच्छा मीठा और ऊपर से मीठा भी है, हलवा चाय के। और सुबह हम लोग को चाय के साथ रस रस चाय ब्रेड चाय बिस्किट कुछ ना कुछ मिलता है और तीनों टाइम हम लोग को खाना मिलता है। सुबह 11 बजे खिचड़ी मिलता है, 2 बजे लंच, फिर रात 8 बजे खाना मिलता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरठ। मेरठ को नेहट के। और यहाँ पर कैसे आना हुआ? मेरे भैया छोड़ रहे भैया लाकर। भैया क्या दिक्कत हुई, क्या क्या बना, क्या हुआ? मेरे भैया लोग थोड़ा ड्रिंक करते हैं, किराए पर रहते हैं, पर उसमें बच्चे लोग हैं तो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं हैंडीकैप हूँ तो मेरे को वो लोग उतना नहीं केयर कर सकते। अब यहाँ पर कैसी केयर? यहाँ पर तो मैं खुश हूँ। हाँ जी, कितना खुश हूँ? कितना खुश हो सकता है, जितना भगवान उनको खुश कर रहा है यहाँ उतना खुश हूँ। सुकून मिलता है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ सुकून तो मिलता है, मिलता है। सभी एक परिवार की तरह लगता है? जी हाँ, अच्छा लगता है। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ की। सॉरी, लखनऊ। लखनऊ से। और कैसे आना हुआ यहाँ पर? घर में कोई केयर करने वाला नहीं था, नहीं था। ओके, अब यहाँ पर कैसे केयर हो रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पूरा परिवार का माहौल मिलता है जी। आप हंसते हैं एक दूसरे के साथ, पूरा खुश रहते हो? बोलो भी कुछ। हाँ जी, हाँ जी, खुश रहती हूँ, खुश रहते हो। ये बात करना, हाँ सब मोबाइल देखना, फिर ये बताएं क्या कहते हैं, ये लोगों से बात करना सब करती हूँ। जैसे वो रेखा आंटी हैं सामने बैठी हैं, सामने एक लेडीज है वो लक्ष्मी है, उससे बात करती हूँ, हंसाती रहती हूँ। ये लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इनसे बात करती रहती हूँ। आपका सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है? अच्छी अच्छी तो मैं बनाती नहीं, किसी को भी नहीं बनाती। है ये ऑफिस की मैडम है, जो मुसीबत में काम आए वही अपना होता है। जो मुसीबत में काम आए वो अपना है, वो अपना है। वेरी गुड। ठीक होते? अच्छा, आप कैसे हो? बस ठीक हो। ठीक हो जी? ठीक है। और कैसा लग रहा है यहाँ पर अब? अब ठीक लग रहा, सब चीज मिलती है। हंसते हो? हाँ, पूरा खुश रहते हो? हाँ, सब खाना मिलता है। दो बारी दो तीन बारी योर नेम? आयरिन। Irene. Oh, your country? Russia. Russia? Okay. Your family? Go to Russia? Smirnova Irina. Smirnova Irina. Smirnova. Smirnova. A village name? कैसे हो? बढ़िया। क्या हो गया था आपके साथ? क्या? वो दरअसल ऐसा है, मेरा कैटरिंग का काम है, हलवाई का, हलवाई का कैटरिंग का काम है। तो ऊपर मीठा बन रहा था, मैं नीचे चेक कर रहा था सारा खाना, तो ऊपर दही बल्ले बन रहे थे, जो दही बल्ले चाट पापड़ी होती है वो ऊपर, तो हमारे कारीगर पता नहीं उनमें आपस में क्या क्लेश हुई, उन्होंने शराब कहाँ से पी ली या क्या करा,
दोनों में झगड़ा हुआ, उन्होंने कढ़ाई फेंक दी मेरे पे, मेरी पीठ माथे से लेके जहाँ तक पेशाब करते हैं वहाँ तक तो सही है, बाकी पूरी पीठ पूरी टांग सब कुछ चल चुका। और इसमें इतने ख़तरनाक कीड़े हो गए थे, आरएमएल में 4 बार चले गया, एलएनजीबी में 2 बार चले गया, सब उन्हें रिटायर करके बाहर भगा दिया। सबसे बड़ी बात तो आरएमएल की चीज़ गंदी है कि संडे वाले दिन रात को मैं एमरजेंसी एम्बुलेंस लेके गया हूँ, मेरे दोस्त छोड़ के गए, सारा बायोडाटा हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन हुई है, उसके बावजूद भी उन्होंने सवेरे 5 बजे कह रहे दूसरा पर्चा बनवा लो आप और यहाँ से बाहर जाओ। अब बाहर किया तो कोई साथ में नहीं, अचानक मेरे को चक्कर आए और मैं बस स्टॉप पे गिर पड़ा। वो तो एक मैडम बेचारी पता नहीं भगवान जाने कहाँ से मिल गई, बाद में पूरा शरीर जल गया साहब का। हाँ जल चुका था, ठीक है, वो आ रहे एमएल वालों ने बाहर भगा दिया, कह रहे हैं आप जाइए यहाँ से। ओके, अब कैसे हैं? अब तो माता रानी की कृपा है, दरान की मेरे को बहुत खुशी है। अभी हम आए हैं उस सेवा के पुंज इंसान के पास जिसने अपनी ज़िंदगी को का जो मोटो है वो ये बना लिया कि हमने सेवा ही करनी है अपनी सारी ज़िंदगी, और अकेले के दम के ऊपर सिंगल मैन एनजीओ जिन्होंने अपनी सेवा शुरू की। और आज हम देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा जो ऐसे बेसहारा लोग जिनके साथ इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो लोग जो जानते भी नहीं किसी को और किसी तरह का उनकी के नाम के ऊपर ये भी नहीं है कि बड़े बड़े अमाउंट्स उनके बैंकों में पड़े हुए हैं, उन लोगों की सेवा करने वाले रवि करड़ा जी आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। रवि करड़ा जी आपका पंजाब प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी थैंक यू सो मच जी, आप इतनी दूर से हमारी संस्था का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए तो आपका तहे दिल से स्वागत है। रवि करड़ा जी कैसे आपके मन की जो ये भावना है प्रबल हुई कि आपने इतना बड़ा जो सेवा का केंद्र खोला है, कैसे मतलब कैसे स्टार्टिंग हुई और कैसे कैसे भगवान ने आपका साथ दिया और आज आप जिस तरीके से वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा जो है चैरिटेबल संस्थान खोलने जा रहे हैं? जी ये संस्था मैंने सन 2008 में बनाई थी, अब 12 साल हो चुके हैं, तो उसका उद्देश्य यही था कि अनाथ और बेसहारे लोग जो सड़कों पर कूड़े में पड़े रहते हैं या कीड़े पड़ जाते हैं, बीमारियाँ लग जाती हैं या फिर मानसिक रूप से बीमार लोग जो सड़कों पे नंगे घूमते रहते हैं या फिर ऐसे बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं, तो उनकी सेवा के लिए संस्था बनी थी। तो संस्था का के बनने के पीछे तो एक्चुअली तो दुख दर्द ही था, मैं बड़ा परेशान रहता था जब सड़कों पे लोगों को देखता था कि भीख मांग रहे हैं या नाले में सड़े गले पड़े हुए हैं, तो बड़ा विचलित होता था कि भगवान ने मेरे को तो सब कुछ दिया लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे दुखी बेसहारा लोगों के लिए कुछ करें और अपनी हाजिरी लगाएं ईश्वर को, क्योंकि कल को जब भगवान के पास जाएंगे तो परमपिता परमेश्वर ये तो पूछेंगे नहीं पैसे कितने कमाए थे, ऊपर तो सेवा का हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए बस अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश ही की और आज बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कई हज़ार लोगों को सड़कों से बचा लिया और 500 से ज़्यादा बेसहारा लोग यहाँ रहते हैं और उनको रहना खाना दवा फ्री मिलती है। रवि करड़ा जी अगर हम बात करें आज के युग में जो एनजीओस भी चल रही हैं लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनजीओ है, यहाँ पर आप खुद हम जैसे हमने पिक्चर्स में देखा है कि आप खुद जो है पेशेंट के साथ हैं, आप अभी भी मैंने देखा कि आपको लोग ऐसे हाथ लगा रहे हैं, आपके साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि वो 500 के 500 जो लोग हैं वो आपके एक हिस्सा है, आपका एक पार्ट बना हुआ है। मतलब आमतौर पर हम लोग एनजीओस जाते हैं देखते भी हैं, एनजीओस को भी हम लोग मिलते भी हैं लेकिन वो एट एन आर्म्स लेंथ, उनको ये होता है कि ये इसके लिए बंदे संभालेंगे, लेकिन जिस तरह से सेवा आप खुद कर रहे हो उसके बारे में कहें। जी ये तो ईश्वर की दी हुई देन है और मुझे तो कुछ बातें सेवा में समझ में आ गई कि दुखी बेसहारा की सेवा में ईश्वर का वास होता है और अगर हम निष्काम भाव से अपने दुख को भूलकर किसी बेसहारा की मदद करते हैं तो फिर हमारा ऑरा भी पॉजिटिव होता है, जो दुख दर्द भी हमारे दूर हो जाते हैं और जो काम कभी नहीं बनते वो भी बनते हैं, तो इसी में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो
तो ऐसा सोचना तो पाप है कि इन लोगों से दूरी बनाना। तो मैं तो जी अपना जीवन ऐसे समर्पित किया हुआ है कि बहुत लोग जो बेसहारा आते हैं, जो 5-5 साल से नहाए नहीं होते हैं, अभी 500 में से 100 लोग ऐसे हैं जिनके यूरिन स्टूल टॉयलेट बाथरूम में कंट्रोल नहीं है, उनको डाइपर लगे हैं, उनकी टॉयलेट बाथरूम में अपने हाथों से साफ़ करता हूँ, उनके डाइपर चेंज करता हूँ। और बहुत बार तो मेरे को देख लेते हैं तो मुँह से चबा हुआ गुदा खाना भी निकालते हैं, वो भी मैं खाता हूँ। और सोने के लिए भी मन कर जाए, वैसे बड़ा कम होता है, कभी बिरला ही कभी ऐसा चांस आता है, तो अपनी ये सैंडल उतार के और सिर के नीचे ऐसे सैंडल रख के यहीं ज़मीन पे सो जाता हूँ, तो कोई बुराई नहीं है। और जब मौत हो जाए किसी की तो अपने हाथों से भी लाश को निलाते हैं, पंचनामा कराते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं, फिर विधि विधान से संस्कार करता हूँ, फिर रस्सियाँ लेके हरिद्वार जाता हूँ सिर पे रख के। अभी तक 5 कुंभ में मैं भगवान जी के आशीर्वाद से अनाथ बेसहारा लोगों की अस्थियाँ ले जा चुका हूँ, 2 बार इलाहाबाद में, 1 बार नासिक में, उज्जैन में, और फिर अनगिनत टाइम हरिद्वार में, और अभी पिछले साल अनाथ बेसहारा बुजुर्गों की अस्थियाँ लेके कैलाश मानसरोवर की पूरी यात्रा भी की, वहाँ उनका विसर्जन करके आया। तो सेवा में ही लगे रहते हैं हमेशा। रवि जी, आमतौर पर देखा गया है कि जब लोग किसी भी चैरिटेबल संस्था के साथ जुड़ते हैं तो उनका ग्राफ भगवान है जो वो अपने हाथ में रख लेता है और वो ग्राफ बढ़ाना शुरू कर देता है। अपने 12 साल में जब आपने स्टार्ट किया तब का आपका जो एक तो ये ग्राफ है सेवा का ग्राफ, और एक ग्राफ है अपनी फैमिली का ग्राफ जिसमें हमारे संबंधों का बात आती है, हमारे पति पत्नी के संबंध है, हमारे बच्चों के संबंध है, हमारे सोशल स्टेटस के संबंध है। तो उस 12 साल में क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को लगता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हम लोग कर नहीं सकते, अगर करते हैं तो भगवान और जो सोसाइटी है और सिचुएशंस है कैसे साथ देती हैं? जी ये बड़ा मिक्स एंड मैच वाला प्रश्न है, क्योंकि अगर समाज की बात करें तो वो भी बड़े मिक्स लोगों के आंसर्स हैं। कोई लोग सेवा को पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है ये ढोंग है, ये पैसे कमाने का चक्कर है, कोई बोलते हैं ये किडनी रैकेट है, कोई बोलते हैं ये सब लोगों को सड़कों से ला के दिखावा है, तो बड़ा दुख लगता है, दिल टूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ परमपिता परमेश्वर मलम भी लगाते हैं, फूलों में भी बैठाते हैं, जैसे कि 1000 लोग यहाँ पर ठीक हो गए जिनको डॉक्टरों ने भेजा कि इनको 3 दिन रख लो अभी शमशान ले जाना, और यहाँ पर आके ठीक हो जाते हैं। तो हम उनकी वो जो आशीर्वाद देते हैं या संतावना देते हैं उसके आगे तो ऐसे लोग जो कुछ भी झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं उनका कोई गिनती नहीं है, तो हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बट हाँ, जहाँ परिवार की बात है तो परिवार की तरफ थोड़ा दुख की बातें हैं कि जब मैं सेवा में आया था तो वाइफ को अच्छा नहीं लगा, तो 12 साल पहले ही गुस्सा खा के चली गई, तो फिर कभी मिली नहीं, तो बच्चे तब छोटे थे वो भी साथ चले गए। अब बच्चे मिलने तो आते हैं, तो बेटे का मैंने एडमिशन करा दिया, वो यूनिवर्सिटी या मेलबर्न में पढ़ता है ऑस्ट्रेलिया में, और बिटिया भी स्कूल में है, तो बच्चों में तो अच्छे संस्कार हैं, वो सेवा में प्लेज किया हुआ उन्होंने, और बेटे ने बोला है कि पढ़ाई पूरी करते ही 1 साल सिर मुड़वा के पहाड़ों पे रहेगा, दीक्षा लेगा, फिर अगले साल से यहाँ सेवा में जीवन दे देगा अपना। तो ऐसे अच्छा लगता है कि चलो बच्चों में भावनाएँ हैं, मैं भी चाहता हूँ कि समाज में जो से जो चले, लोग सेवा से जुड़ें, अपने अपने माध्यम से सेवा करें, क्योंकि अभी हमारे देश में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम मानवता ही प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। लोग सड़कों पर कूड़ा खाते हैं, नंगे घूमते हैं, और हम सब लोग इतने पत्थर दिल हो चुके हैं, कठोर हो गए, हमें तरस ही नहीं आता उनकी तरफ, मतलब भगवान से डर ही नहीं लगता कि जवाब क्या देंगे। और अभी असली सब्जेक्ट तो डिबेट में ही नहीं है, जैसे कि सड़कें टूटी हुई हैं, गौ माता कूड़ा खाती है, स्टिंकिंग स्मेल, अनहाइजीन, अनट्रीटेड वेस्ट, कूड़े के पहाड़, ट्रैफिक हैजर्ड्स, अननेसेसरी व्हीकलर हॉन्किंग, दूसरे जीव जंतुओं की दुर्दशा, ऑक्सीजन हमारे पास है नहीं सूंघने के लिए, पानी हम गंदा पीते हैं, कोई कुछ भी हमारे देश में गंद बेच रहा है, कोई कुछ भी गंद खा रहा है, जैसे गंदे छोले भटूरे, गंदी टिकड़ी, टिक्की, पापड़ी चाट, गोलगप्पे, फिर खोया नकली बिकता है, दूध नकली बिकता है धड़ल्ले से, पानी नकली बिकता है, चाय नकली बिकती है, तो ऐसे गुड़ नकली बिकता है, दवाइयाँ नकली बिकती है, तो बड़ा दुख लगता है कि हम सब लोगों को तो भगवान ने सब कुछ दिया, अच्छा समाज, अच्छा परिवार, शोहरत, तो हम सब लोगों को भी समाज के प्रति कुछ अच्छे काम करने चाहिए और देश को स्टैंड करना चाहिए, प्रशासन की सपोर्ट करनी चाहिए,
और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। रवि जी, अगर हम बात करें खाने की बात करें तो सुबह से यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत ही हाइजेनिक फूड, हम लोग आमतौर पर देखा गया कि जब भी जब आश्रम होते हैं तो वहाँ मक्खियाँ बिन रही होती हैं और पूरा मतलब सफाई वाली बात कहीं भी नहीं आ रही, और हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरी सफाई है और हर बंदा जो है वो साफ सुथरे तरीके के साथ। अब हमने देखा आपका फूड, हम देख रहे थे चावल अलग पड़े हुए हैं, पूरे साफ़ सुथरा चावल सब्जी और सारा चीज़ जो है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो हमारी संस्था के अंदर, संस्था के ऊपर परमपिता परमेश्वर का साक्षात आशीर्वाद है यहाँ कि खाना अच्छा बनता है और लोगों की सेवा की जाती है, साफ़ सफाई की तरफ ध्यान रखा जाता है। जबकि मैक्सिमम लोग उनमें सेंसेस नहीं है, वो यूरिन स्टूल कहीं भी पास कर देते हैं, बट फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि सफाई रहे, और अभी तक तो भगवान जी का आशीर्वाद है। बट आने वाले टाइम में अभी यहाँ दिक्कत ये आ रही कि 200 लोगों की जगह थी और 500 लोग रह रहे हैं, तो आधे लोगों को हम अपनी नई ज़मीन पर शिफ्ट कर देंगे तो और अच्छा कम्फर्ट जोन हो जाएगा यहाँ। सर, जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ रही है, अगर हम NRI वीर की बात करें, NRI भाइयों की बात करें, तो उनमें एक जज्बा है कि हमने हमारे देश में जो भी अच्छा काम कर रहा होता है उसकी उनके ऊपर निगाह होती है, तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग भी अपना दसवंत धीरे धीरे, जब उनको लगता है कि हमारे दिए हुए दसवंत के साथ यहाँ कुछ लोगों का ऐसा इलाज हो रहा है, ऐसे लोग ठीक हो जा रहे हैं और ऐसे उनमें एक नई एनर्जी आ रही है, तो वो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग और NRI वीज का कितना साथ है? जी आपने ठीक कहा कि अच्छा काम करो तो फिर अच्छे लोग जुड़ते हैं और नेचुरल फोर्सेस जुड़ती हैं, तो वो आशीर्वाद हमारी संस्था के ऊपर भी है। धीरे धीरे देश विदेश में लोगों में बड़ी भावनाएं जुड़ी हैं और बहुत बार संस्था को सम्मानित किया गया है, और मेरे लेक्चर्स भी हुए हैं फॉरेन में, कनाडा में, अमेरिका में, गुरुद्वारों में, साईं बाबा मंदिरों में, राम मंदिर में, और सभाओं में, जलसों में, तो लोग बुलाते हैं, सेवा के प्रचार करने का हमें मौका मिल जाता है, लोगों को साथ जोड़ते हैं। बट ईजी नहीं है, बहुत टफ है, अभी हम झोली फैलाए बैठे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं अच्छे लोगों को, क्योंकि संस्था का खर्च बड़ा भयानक है और संस्था भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है लेकिन कभी सरकारी रुपए पैसे की मदद नहीं मिली है, और फॉरेन से हेल्प लेने का हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा टफ होता है, बट कोशिश कर रहे हैं लोगों को साथ जोड़ने के लिए। सर, जो भी रिटायर्ड लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं और बुद्धिजीवी हैं जो इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं और उनका दिल करता है किसी भी तरह की सेवा करने का, कई बार लोग फिजिकल सेवा करना चाहते होते हैं क्योंकि डिप्रेशन में आजकल हम लोग, अगर हम रिटायर्ड लाइफ की बात करें तो लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाना शुरू कर देते हैं। लेडीज़ की बात करें, लेडीज़ भी जो रिटायर हो जाते हैं या 50 साल के ऊपर, बच्चे अपने काम में लग जाते हैं 50-60 साल के ऊपर, और माँ बाप जो अकेले से हो जाते हैं, अगर इस चैनल के माध्यम से वो लोग जो सेवा करना चाहें, जिनका किसी भी तरह से, वो चाहे किसी भी प्रदेश में बैठे हों, क्योंकि ये चैनल जो है आपके यहाँ गुड़गांव में भी फास्टवे के 142 नंबर पे चलेगा और पंजाब सारा चलेगा, हरियाणा चलेगा, हिमाचल चलेगा, राजस्थान चलेगा, और कहीं से भी किसी के भी मन में ये आशा पूर्ति है कि मैंने भी सेवा करनी है, तो क्या जैसे नीचे दिए हैं आपके नंबर, वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है और सेवा में किसी तरह के भी भाग ले सकते हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा सोचा है, सेवा को बल देने के लिए आप लोगों में प्रचार करेंगे, ये बड़ा अच्छा माध्यम है हमारे लिए हेल्प एकत्रित करने का। और जो हमारी संस्था के ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, मोबाइल नंबर हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि लोग आगे बढ़ के हेल्प करें और अपनी सेवाएँ दें। और खाली फाइनेंशियल सलाहों की हमें नीड नहीं होती, इसके अलावा हमें नीड है कि लोग आके बेसहारा लोगों से बातें करें, उनके दुख दर्द दूर करो, उनको जीने का सहारा दो, उनकी काउंसलिंग करो, उनके परिवार ढूंढो, और सबसे बड़ी हेल्प जो हमारी कोई कर सकते हैं वो ये कि कभी भगवान नहीं करे आपको सड़क पे कोई पागल मिल जाए जिसको कीड़े पड़े हुए हैं, बिना कपड़ों के घूम रहा है, या कोई बुजुर्ग आदमी है सड़क पे 5 साल से नहाया नहीं है, कोई अबला महिला है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करें और आप हमारी संस्था में एडमिशन करा सकते हैं, या रहना खाना फ्री मिलता है और यहाँ कोई धर्म जात का भेदभाव नहीं होता। सर, जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का भी मन करता है कि हम लोग कभी ना कभी अपनी दसवंत जैसे सेवा का दसवंत है
क्योंकि वो लोग हॉस्पिटलों में सेवा कर रहे हैं, कोई भी हार्ट का पेशेंट है, क्योंकि यहाँ 500 बंदा है तो नेचुरली है कि कोई ना किसी बीमारी से लोग ग्रस्त होते हैं। अगर कोई डॉक्टर भी चाहे कि हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके फ्री टाइम में हम लोग आकर आपकी सेवा के साथ अपनी मेडिसन, कोई 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 केमिस्ट देख रहा हो, कोई मेडिकल की फैक्ट्री वाले देख रहे हो, अगर वो लोग भी जुड़ना चाहें। जी बिल्कुल जी, हम झोली फैलाकर सबसे निवेदन करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स लोग यहाँ आके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यहाँ बड़े सारे मरीज हैं, लोगों को कीड़े पड़े होते हैं जब एडमिशन होता है, बहुत बार तो उनके हाथ पांव कटवाने पड़ जाते हैं, तो वो आके हमें हेल्प कर सकते हैं। जैसे जब लोग एडमिशन आते हैं उनके सिर में जुएं होती हैं, पेट में कीड़े होते हैं, मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है, डॉक्टरों ने जवाब दिया होता है, और बेड रिडन होते हैं, कोमा में होते हैं, मृत्युशैया के ऊपर लोग आते हैं, तो ऐसे में मेडिकल सुविधाओं की बड़ी नीड होती है, तो डॉक्टर्स यहाँ के सेवा कर सकते हैं और हम ये निवेदन भी आपके माध्यम से करना चाहते हैं। रवि कलरा जी, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, आपके पास बहुत लंबा डाटा है, आप तो एक ऐसी किताब हैं कि हम लोग एक महीना पढ़ते रहे, आपको पढ़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमारे चैनल के लिए आपने हमें अप्रिशिएट किया और यहाँ आने का निवेदन किया, और हम लोग आपके साथ मिलकर आपने हमें टाइम दिया, और आपका यह यहाँ जो सेवा देकर बहुत मन प्रसन्न हुआ। बहुत नाम हमने सुना था लेकिन आज हमने वास्तव में आपसे एक बार मिलने की जो हमारी आशा थी वो पूरी हुई है। आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे निवेदन भी करूँगा कि इस संस्था को खूब प्रमोट कीजिए और लोगों को जोड़िए, जोश से जोश जड़े, ताकि हम सब लोग मिलकर जो हमारा असली कर्तव्य है, जो असली धर्म है, उसको कर्म में बदलें और ईश्वर को समर्पित हों और अपने देश को अच्छा बनाएं। थैंक यू।